Dear students, my name is Amresh Jaiswal. Today I am going to teach you a special topic of class 11 and NEET examination, glycolysis. Respiration से related topic है. आप हमेशा से सुनते आ रहे हो कि respiration के दौरान energy का formation हो रहा होता है. उसी process के दौरान ये processes पहला stage चल रहा होता है, जिसे glycolysis का नाम देते हैं. Cellular respiration भी कहा जाता होता है. अब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर किस तरीके से जो भी हम फूड मॉलिक्यूल ईट करते हैं उनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा. इसमें हम सीखने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में. ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली ग्लाइकोज और लाइसिस वर्ड से मिलकर के, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, ग्लाइकोज ग्लाइकोज और लाइसिस. ग्लाइकोज का मतलब बेसिकली हुआ करता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग. तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है ब्रेकिंग ऑफ शुगर इनसाइड अ सेल टू फॉर्म एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो हम इसे स्टेप वाइज देखेंगे किस तरीके से ये हुआ करता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में, ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है, इसकी आज पूरी जानकारी हमें करनी है. ब्रेकिंग ऑफ शुगर इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. इस प्रोसेस को देने के लिए तीन साइंटिस्ट हैं. उन साइंटिस्टों का नाम एम्पडेन, मेयरहॉफ और पारमास था. इस वजह से इस पाथवे को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं. ईएमपी पाथवेस ईएमपी पाथवे बेसिकली क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का ही क्या है, दूसरा नाम है. इसे ईएमपी के नाम से भी जाना जा रहा होता है. एम्पडेन, मेयरहॉफ एंड पारमास साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा. एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा रहे होते हैं नीट एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता है. तो रिएक्शन की शुरुआत ऐसे होती है, जैसे ही जो सेल होता है, कोई भी सेल हो, हमारा सेल हो या प्लांट का सेल हो, इंसेक्ट का सेल हो या किसी माइक्रोब का सेल हो, सेल के अंदर जैसे ही एंट्री होती है ग्लूकोज की, तभी से ये रिएक्शन शुरुआत हो जाती है. ग्लाइकोल ग्लूकोज ही किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, पैरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है. 2 मोलर पैरिक एसिड में कन्वर्ट होता है. साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन हो रही होती है, ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है. कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा होता है ये रिएक्शन कौन से प्लेस पे अकर करती है सेल के अंदर, तो आप याद रखो ये साइटोप्लाज्म में करती है. साइटोप्लाज्म यही है वो साइटोप्लाज्म, सेल का पूरा वाटरी कंटेंट, सेल सैक वाला कंटेंट, उसी के अंदर ये ग्लूकोज क्या होता है ब्रेक डाउन कर रहा है. तो हम स्टेप वाइज पूरा का पूरा ये 10 स्टेप 10 रिएक्शन का ये पूरा का पूरा स्टेप वाइज कैस्केड प्रोसेस हुआ करता है. स्टेप वाइज एक कैस्केड प्रोसेस 10 रिएक्शंस का होता है, 10 रिएक्शंस का. इन 10 रिएक्शंस को करने के लिए हमारे साइटोप्लाज्म में या फिर किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं. ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को कराने का काम करते हैं. जैसे ही ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंच रहा होता है ब्लड के द्वारा, जैसे ये पहुंचता है वहां पर ग्लूकोज की ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है. साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने जैसे अभी बताया कि एंजाइम्स पाए जा रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं. ये एंजाइम अपना एक्शन शुरू कर देते हैं. एंजाइम्स में सबसे पहले एंजाइम आता है जिसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज. ग्लूकोज को तुरंत हेक्सोज, आप जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 हुआ करता है. ये एक हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज शुगर है. तो इसके लिए जो एंजाइम आ रहा होता है उसका नाम हेक्सेज होता है. एज केवल इस शुगर के आगे क्या लगा देंगे, एज लगा देते हैं, तो एंजाइम का नाम बन जाता है हेक्सोज. ये एंजाइम अपना फंक्शन शुरू कर देता है यहाँ पर इसे ब्रेक कर करके इसे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में इसका फॉस्फोरिलेशन कर देता है. यहाँ पर एटीपी का मॉलिक्यूल आता है, यहाँ से एटीपी का मॉलिक्यूल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप जानते हो एनर्जी करेंसी, वो एनर्जी आती है और इसे अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर देती है, एडीपी में कन्वर्ट करती है. और इस तरीके से ये ग्लूकोज अगले प्रोसेस में चला जाता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में भी चला गया, फिर अगला स्टेप शुरू होता है. लाइन वाइज 10 स्टेप के प्रोसेसेस में सेकंड स्टेप शुरू होता है, फर्स्ट स्टेप
सेकेंड स्टेज जो होता है वो ग्लूकोज का आइसोमराइजेशन हो जाता है। आप जानते हो ग्लूकोज के ही फॉर्मूला के साथ एक और आप इसका आइसोमर पढ़ रखे हो, फ्रक्टोज हुआ करता है, ये आइसोमरेज एंजाइम यहां पर काम करता है। साइटोप्लाज्म का कौन सा एंजाइम? आइसोमरेज। आइसोमरेजेस क्या कर देता है? इस ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, फ्रक्टोज में, और बाकी सिक्स फॉस्फेट वैसे ही रहा करते हैं और इससे बन जाता है क्या? फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट। ये सिंपल से कह रहा है आइसोमराइजेशन हो गया, फ्रक्टोज का फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट इस तरीके से बन गया। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है कि एटीपी का एक और मॉलिक्यूल होता है एटीपी, और फिर से इसका अगेन फॉस्फोरिलेशन होता है इस तरीके से। ये फ्रक्टोज जो है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है एटीपी अपने आप को, आर्गेनिक फॉस्फेट 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यहां से दे देता है इसे और अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लेगा। डाई फॉस्फेट में पहले डाई में था, अभी इसमें कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाया करता है, यहां पर एक और मॉलिक्यूल एटीपी का बन जाता है। इस तरीके से थर्ड स्टेप की प्रोसेस में क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 इस तरीके अंदर ये एक्शन कंटिन्यूअसली चल रही होती है, ब्रेकिंग करना है, स्टेप वाइज प्रोसेसेस है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड कर रही होती है। अब आगे क्या होता है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अपने आप को, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, अपने आप को स्प्लिट कर लेता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में, कीटोन का फॉर्मेशन करता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अपने आप को स्प्लिट कर लेता है 2 अलग अलग कंपाउंड्स में, जिसे हम 3 फॉस्फोग्लिसराइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के नाम से जान रहे होते हैं। ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं, 6 कार्बन का फ्रक्टोज था और अपने आप को स्प्लिट कर लिया 3+3 में, 3 कार्बन में अपने आप को क्या कर लिया? स्प्लिट कर लिया। ये रिएक्शन इस तरीके से स्प्लिटिंग के बाद से आगे प्रोसीड होनी शुरू होती है। ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन ये होती है। यहां पर जो 3 फॉस्फोग्लिसराइड है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में अपने आप को बार-बार कन्वर्ट कर रहा होता है, रिएक्शन यहां पर रुकती नहीं है। एसीटोन फॉस्फेट अपने आप को सेपरेट कर लेता है रिएक्शन से और रिएक्शन ग्लिसराइड से 3 फॉस्फोग्लिसराइड से शुरू हो जाती है, आगे चलकर प्रोसीड होनी शुरू होती है। यहां पर आता है हमारा अगला एनर्जी कंपाउंड जिसे हम एनएडी पॉजिटिव के नाम से जान रहे होते हैं, एनएडी पॉजिटिव यहां पर आता है, एनएडी पॉजिटिव यहां पर आता है, अपने आप को रिड्यूस करने जाता है। रिडक्शन आप जानते ही होंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जुड़ना रिडक्शन कहा जाता है, तो इसे रिड्यूस कर दिया जाता है एनएडी पॉजिटिव अपने आप को एनएडीएच पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता है। फिर क्या होता है कि 3 फॉस्फोग्लिसराइड 1,3-bisphosphoglyceric acid में कन्वर्ट हो जाया करता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1,3-bisphosphoglyceric acid, 1,3-bisphosphoglyceric acid में कन्वर्ट कर लिया। आगे के रिएक्शन ये फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ? ये जो फॉस्फोग्लिसराइड था 3 मॉलिक्यूल था NADPH रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन करने के बाद एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। आप ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड का जब कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपडेट कर रहे होते हैं और एल्डिहाइड जो होती है रिड्यूस होकर के किसमें जाती है? एसिड में जाया करती है। तो यहां पर बेसिक से रिएक्शन होती है NAD पॉजिटिव यूज होता है और रिएक्शन क्या बना देती है? 1,3-bisphosphoglyceric acid बना देती है। फिर अपना एटीपी आता है, एटीपी का यहां पर क्या होगा? एटीपी का आपने यूजेस देख रखा है और एटीपी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है यहां से, और यहां पर ये 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल यूज हुए होते हैं और यहां पर 2 मॉलिक्यूल बिसफॉस्फेट का बना होता है। शॉर्ट में हम इसे 3PGL के नाम से भी जानते हैं, PGAL पागल के नाम से जान रहे होते हैं, आप याद करने के लिए याद कर सकते हो 3PGAL मतलब 3 फॉस्फोग्लिसराइड।
आगे की रिएक्शन के लिए हम इसे BPGA कह देते हैं, BPGA कह देते हैं, याद रहेगा उससे बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। यहां पर क्या होता है, मैंने बताया कि एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एटीपी फॉर्म करेगा और अपने आप को बिस फॉस्फेट जो है ये थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेगा, थ्री फास्फो एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। ये स्टेप वाइज रिएक्शन एटीपी का यहां पर क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, दो मॉलिक्यूल आपके एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हमने क्या ले रखा था, BPGA का दो मॉलिक्यूल ले रखा था, इस तरीके से टू मॉलिक्यूल ऑफ थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। रिएक्शन फिर से क्या होती है, यहां पर ये थ्री फास्फोग्लिसरिक एसिड का मॉलिक्यूल जो थ्री कार्बन का है अपने आप को आगे चल करके टू फास्फोग्लिसरिक एसिड एक और फास्फेट को निकाल करके टू फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है, ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, या फिर इसे हम एक और नाम से जान रहे होते हैं, टू फास्फोग्लिसरेट के नाम से भी जान रहे होते हैं, रेट के नाम से भी जान रहे होते हैं। सेवेंथ स्टेप में बना हुआ फास्फोग्लिसरिक एसिड का टू मॉलिक्यूल अपने आप को फास्फोइनोलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। एक वाटर मॉलिक्यूल का यहां पर लिब्रेशन होता है, वाटर का मॉलिक्यूल यहां से लिब्रेट हो जाता है और इस तरीके से फास्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाया करता है, जिसे शॉर्ट में हम पीईपी के नाम से जान रहे होते हैं। टू मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोइनोल पाइरूवेट का फॉर्म करता है यहां पर, आगे चलकर के अगले प्रोसेस में एक और एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है। यदि एक मॉलिक्यूल यूज होगा, यहां पर दो मॉलिक्यूल है तो यहां पर दो एटीपी का अगेन फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन जो होती है टू मोल ऑफ पैरिक एसिड, पैरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देती है, टू मॉलिक्यूल पैरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेती है, थ्री कार्बन का कंपाउंड पैरिक एसिड। ओवरऑल में रिएक्शन के दौरान क्या हुआ कि ग्लूकोज की ब्रेकिंग हुई, रिएक्शन चलती गई, स्टेप वाइज कैस्केड प्रोसेस, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स ने वर्क किया और ग्लूकोज किसमें ओवरऑल कन्वर्ट हो गया, टू मॉलिक्यूल ऑफ पैरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये हुआ हमारा नाइन्थ स्टेज और यहां पर हमने बताया कि कितने मॉलिक्यूल एटीपी के फॉर्म किए, टू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ा होगा और हमने आपको इसमें कन्वर्ट कर दिया, टू मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस जो हमारे साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है, ग्लूकोज अपने आप को किसमें ब्रेक कर लिया, पैरिक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स में। अब क्लास 10 में पढ़े होंगे लेकिन इस तरीके के प्रोसेसेस को वहां पर नहीं पढ़ाया जाता, 11th क्लास में से ब्रॉडली में पढ़ाते हैं और सारे एंजाइम्स के साथ एटीपी के फॉर्मेशन के साथ के नीट एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चंस से आने हैं। ग्लाइकोलाइसिस को स्टेप वाइज करके सारे के सारे स्टेजेस जो 10 रिएक्शंस थे उसकी हमने स्टडी किया, एंजाइम्स के बारे में जाना, एटीपी फॉर्मेशन के बारे में जाना, एटीपी कहां पर यूज हुआ उसके बारे में जाना, एनएडीपी के फॉर्मेशन में फॉर्मेशन को जाना। तो अब जो मैं उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि किस तरीके से जो एग्जामिनेशन से क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली आप ब्रीफ को यदि रेडी कर लोगे तब भी आपके एग्जामिनेशन से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या कि जो सेल के अंदर पहुंचा हुआ ग्लूकोज था, जो हमारे मीटिंग के दौरान हमारे डेली डाइजेशन के बाद जो सेल के अंदर पहुंचा ग्लूकोज था वो अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एंजाइम्स की मदद से पैरिक एसिड के टू मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया था, टू मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड एसिड में कन्वर्ट किया था। इस दौरान आपने देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस थे उसमें कुछ स्टेजेस आपको याद रखने हैं, फर्स्ट और थर्ड स्टेज में आपने देखा था कि क्या हो रहा था वहां पे, एटीपी, एटीपी का यूज हो रहा था, एटीपी कंज्यूम हो रही थी। आप जानते हो मल्टी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, बायो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए हमें लॉट ऑफ एनर्जीज की रिक्वायरमेंट होती है और वो एटीपी क्या हुए, फर्स्ट और थर्ड स्टेज में यूज हुए थे, एटीपी कंज्यूम हुआ था, एटीपी कंज्यूम, एटीपी कंज्यूम का फर्स्ट और थर्ड स्टेज में आपने देखा एटीपी के सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल, वन वन मॉलिक्यूल क्या हुए, कंज्यूम हुए। उसके बाद से आपने देखा था कि फिफ्थ स्टेज में, फिफ्थ में क्या हुआ था, फिफ्थ स्टेज में एनएडी
एम ए डी एच का फॉर्मेशन हुआ था, एन ए डी एच का फॉर्मेशन हुआ था। रिडक्शन वाली प्रोसेस याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब अपने आप को 1,3 दिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा होता है तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एन ए डी पी का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आपने देखा सिक्स्थ और नाइन्थ स्टेज में, सिक्स्थ स्टेज एंड नाइन्थ स्टेज में आपने देखा था कि दो दो मॉलिक्यूल्स, टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी क्या कर रहे थे, फॉर्म कर रहे थे, यहां पर एटीपी फॉर्म हो रहे थे, फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन कहां हुआ, सिक्स और नाइन स्टेज में। सिक्स स्टेज में फॉर्मेशन कब हुआ था, 1,3 डिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब अपने आप को 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था तो वहां पर दो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था। और वहीं पर PEP फॉस्फोइनॉल पैरिक एसिड अपने आप को जो पैरिक एसिड में कन्वर्ट किया था, जो लास्ट स्टेज था, वहां पर क्या हुआ था, एटीपी फॉर्म किया था। इसके अलावा आपको एक और चीज पूछा जा रहा होता है कि कौन से प्रोसेस में डिहाइड्रेशन हो रहा होता है, वाटर का रिलीज हो रहा होता है, तो होता है एट स्टेज में, एट स्टेज में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर या डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो रहा होता है। तो इस तरीके से ओवरऑल आपने देखा कि टोटल कितने एटीपी कंज्यूम हुए, टोटल एटीपी यहां पर 2 ATP कंज्यूम हुआ और 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ, एटीपी फॉर्म किया। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि कितना नेट गेन हुआ, कितने एटीपी का नेट गेन हुआ, तो आप क्या करोगे, 4 - 2 कर दोगे तो आपको पता चल जाएंगे नेट गेन एटीपी, नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस तो 2 ATP का होता है, एटीपी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल कितने एटीपी का ग्लाइकोलाइसिस के दौरान फॉर्मेशन होता है, तो वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ और 1 NADP एस का फॉर्मेशन हुआ। यही वो एनर्जी है जो हमारे डेली रूटीन्स में यूज की जाती है और यही वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा जो क्या कर रहा होता है, पैरिक एसिड का फॉर्मेशन इनसाइड द साइटोप्लाज्म शो कर रहा होता है। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही।